बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौर पब्लिशर्स। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्स फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। माय नेम इज सीबी अमीन खान एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गौर स्किल अप मैथमेटिक्स सीरीज ग्रेड 2 एंड द यूनिट इज 8। द नेम ऑफ आवर यूनिट इज डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा। डाटा सबसे पहले वो हम क्या कहते हैं कि डाटा इज अ कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन। जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं तो वो करेक्टली एक वर्ड बनता है, वो क्या है? डाटा। वी कैन शो डाटा इन डिफरेंट फॉर्म्स। हम डाटा को कई शक्लों में शो कर सकते हैं। दीज डिफरेंट टाइप्स में भी पिक्टोग्राफ, हम इसको पिक्टोग्राफ में भी शो कर सकते हैं, हम इसको ब्लॉकग्राफ में भी शो कर सकते हैं, हम बार ग्राफ में भी शो कर सकते हैं, हम इसको टेलीचार्ट में भी शो ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आ जाता है इसमें पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में वो हमें एग्जाम्पल के जरिए हमें समझा रहे हैं। लेट्स सपोज अली रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड एवरी 5 डे। वो 5 दिन का बता रहा है कि 5 दिन में कितने पिज्जा सेल आउट हुए हैं। रीड एंड चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। वो कहता है चार्ट को रीड करें, बताएं कि हर दिन में कितने पिज्जा सोल्ड आउट हुए हैं। देखिए मंडे में कितने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ट्यूजडे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वेडनेसडे में 1, 2, 3, 4। थर्सडे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और फ्राइडे में 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमने उसे डाटा दिया हुआ है। तो अब हम नीचे इसके क्वेश्चन का आंसर देते जाते हैं। हाउ मेनी पिज्जा डिड ही सेल ऑन थर्सडे। वो कह रहे हैं थर्सडे को कितने पिज्जा सोल्ड आउट किए। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 पिज्जा तो ये हो गए, ठीक है। और उसने कहा एक जो पिज्जा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। तो ये देखें 8, 5 था 40। इसने मतलब 40 पिज्जा सोल्ड आउट किए। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये इधर लिखा हुआ है कि एक पिज्जा वो किसके बराबर है, 5 पिज्जा के बराबर है। तो ये उसने एक टर्म दी हुई थी जो उसने इधर यूज की हुई थी। आप वो कह रहा है ऑन विच डे ही सोल्ड मिनिमम नंबर ऑफ पिज्जा। वो कहता है किस दिन में उसने सबसे कम पिज्जा सेल आउट किए, तो वो क्या आ गया, वेडनेसडे। आप वो कह रहे हैं मैक्सिमम पिज्जा उसने किस दिन सोल्ड आउट किया, तो वो आपको क्या आ गया, ट्यूजडे। वो कह रहा है ऑन विच डे ही सोल्ड 25 पिज्जा। वो कह रहा है किस दिन उसने 25 पिज्जा सोल्ड आउट किए हैं। तो देखें ये मंडे में, क्योंकि 5, 5 था 25 होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 है और एक पिज्जा 5 इंडिकेट करे, तो 5 था 25। इट मीन्स उसने मंडे वाले दिन 25 पिज्जा सोल्ड आउट किए हैं। तो इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजोल्व कर लेंगे। ये हमें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डाटा। ये डाटा की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी गई है। वी शोड दिस डाटा इन फॉर्म ऑफ पिक्चर। इस डाटा को हमने पिक्चर के जरिए शो किया हुआ है। दिस इज अ पिक्टोग्राफ। इसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। पिक्टोग्राफ शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर और सिंबल। जो पिक्टोग्राफ है वो हमें किस में, सिंबल में और पिक्चर में डाटा में देता है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ पिक्टोग्राफ। कहते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं। अब वो कह रहा है चिल्ड्रन इन द स्कूल ड्रॉट डाउन वेदर सिंबल फॉर ईच डे इन द मार्च। वो कहता है मार्च के लिए वो हर दिन के लिए सिंबल शो कर रहे हैं कि सनी के लिए ये सिंबल होगा, क्लाउडी के लिए ये सिंबल होगा, रेनी के लिए ये होगा, स्नो के लिए ये होगा, स्ट्रॉन्ग के लिए ये वाला होगा। अच्छा अब वो कह रहा है कि देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है। वो कह रहा है विच वेदर वाज द मोस्ट कॉमन। कहते हैं बताइए सबसे कॉमन कौन सा आया। तो देखिए हमें सबसे ज्यादा जिसका जो हमें मिल रहा है डाटा वो किसका है, क्लाउडी का। तो हम क्या लिख देंगे, क्लाउडी। और कह रहे हैं विच वेदर वाज द लीस्ट कॉमन। लीस्ट कॉमन का उसमें स्टॉर्मी, क्योंकि इसमें सबसे कम नंबर शो किए हुए हैं। हाउ मेनी डेज वर स्नोई। वो कहते हैं स्नोई के कितने डेज हैं, 1, 2, 3, 4। तो हम क्या लिख देंगे, 4 डेज। इसी तरीके से हम इसका बाकी का डाटा भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। अब वो कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ किड्स। कहता है बच्चों का ग्राफ दिया हुआ, ठीक है, फेवरेट कलर्स का एंड आंसर द क्वेश्चन। आप इसके आंसर दें। ये बच्चों का ग्राफ चुकी है, बच्चों को जो उससे कलर पसंद है, हमने इसका बताना है कि ग्राफ के मुताबिक हमें क्या इसका आंसर बनता है। वो कह रहा है हाउ मेनी किड्स लाइक ग्रीन। वो कह रहा है ये देखिए नंबर शो किए हुए और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो किए हैं। कह रहे हैं हाउ मेनी किड्स लाइक ग्रीन। ग्रीन कितने यूज करते हैं लाइक, वो कहते हैं 5। तो हम इधर क्या लिख देंगे, 5 स्टूडेंट्स लाइक ग्रीन। इसी तरीके से हाउ मेनी किड्स लाइक पर्पल। पर्पल कितने कहते हैं, वो भी 5 है। अच्छा विच कलर डू स्टूडेंट्स लाइक द मोस्ट। सबसे ज्यादा कलर कौन सा पसंद करते हैं बच्चे, रेड, क्योंकि रेड का सबसे हाईएस्ट रैंक है। अब वो कह रहे हैं कि विच स्टूडेंट लाइक द लीस्ट। लीस्ट कौन सा पसंद करते हैं, येलो। विच कलर डू टू किड्स लाइक। वो कहता है कौन सा कलर बच्चे दो लाइक करते हैं, वो कौन सा, येलो, क्योंकि येलो ऐसा है जिसमें बच्चे सिर्फ दो ही लाइक करते हैं। और कहते हैं विच टू कलर्स वेयर द फेवरेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स। कहते हैं वो कौन से दो कलर जो 5 स्टूडेंट्स के फेवरेट हैं, तो वो हमारे पास कौन से हैं, ग्रीन एंड पर्पल। ये बच्चों के
फेवरेट करना है जो कि 5/5 है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, रीड द बारग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो कह रहा है बारग्राफ को रीड करें और क्वेश्चन हल करें। ये देखें, इसी तरीके से हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए और इधर हमें स्कूल ट्रांसपोर्ट यूज बाय द चिल्ड्रन दिए गए हैं। देखें अब वो कह रहे हैं कि बताएं कि हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल। ठीक है, अब कह रहे हैं कितने बच्चे स्कूल वॉक के थ्रू जाते हैं। देखें वॉक वाला ही है तो कितने, 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन राइड देयर बाइक। बाइक कितने चलाते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, तो कितना हो गया। विच ट्रांसपोर्ट टाइप इज द मोस्ट पॉपुलर, सबसे मोस्ट पॉपुलर कौन सी है, बस की है। और विच ट्रांसपोर्ट इज द लेस पॉपुलर, वो कौन सी है, ट्रेन। अच्छा इधर कह रहे हैं टोटल कितने हैं, टोटल बताएं। बस पे जितने स्टूडेंट मूव करते हैं वो कितने हैं, 7 है। साइकिल पे 1, 2, 3। जो वॉक के थ्रू जाते हैं वो 6 और जो ट्रेन के थ्रू जाते हैं वो कितने हैं, 1। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, एक और पब्लिशर ज्वाइन करने का। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।